तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस हैव वेरी वेल एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइस स्टे हैप्पी एंड सेफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बैक टू द वीडियो, जिस वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ आप सबके लिए, वो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और मतलब वो एक अपकमिंग मूवी है जो बहुत अभी उसमें बहुत टाइम है, उसका एक अनाउंसमेंट है, तो उस पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एंड देखने मतलब देखने वाले हैं कि वो इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है एंड ऐसा क्या है उसमें, और ये कौन सी ऐसी मूवी है जिसका ये अनाउंसमेंट है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पहले वीडियो देखेंगे आप, तो वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मूवी आने वाली है। तो पहले वीडियो देखते हैं, देन बातें करते हैं कि हमें ये अनाउंसमेंट कैसी लगी और इस अनाउंसमेंट की वजह से हमें कितना एक्साइटमेंट है या नहीं है ये मूवी देखने के लिए, मतलब जब भी आएगी। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, देन काफी सारी बातें करते हैं। शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब? सीन्स अच्छे हैं, मतलब ये शॉट अच्छा है। पूछते हैं ये सब। उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं और फिर सामने। ये वॉइस ऐसी नहीं लग रही है जैसे रणवीर सिंह की वॉइस हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रणवीर सिंह की ही वॉइस है ये। चल दाने को। क्या है ताकत मेरी, क्या है हिम्मत मेरी, फिर दिखाने को। मौत से खेलना जिंदगी है मेरी, जीतना ही मेरा काम है। तुम तो हो जानते जो मेरा नाम है। ग्यारह मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूं। देखा, मैंने बोला था ना रणवीर सिंह की। दौड़ दौड़। तो ये मतलब ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया है, बकवास सा बिल्कुल, मतलब मुझे तो बहुत बकवास लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 2025 में ये मूवी आने वाली है। तो यार अगर 2025 में ही लाना था, मतलब मूवी 2025 में आने वाली है, तो 2025 में मूवी आने से कुछ दिन पहले ही टीज़र और कुछ छोटा सा निका मतलब ऐसा कुछ मतलब उस टाइम करते, अभी 2 साल 2.5 साल पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हो किसी मूवी की, वो भी इतनी बकवास क्लिप से। मतलब इस क्लिप इस वीडियो को देखने के बाद कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक एक्साइटेड होगी या पब्लिक बहुत ज़्यादा उछलने कूदने लग जाएगी कि हाँ नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। मैं तो बिल्कुल कहूँगा मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है। आपको देखना है तो आप भी मुझे बता देना कमेंट्स करके, देखना है या नहीं देखना। मुझे नहीं देखना है, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हुआ इस वीडियो को देख के। आप छोड़, और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जो इसमें डायलॉग बोला हुआ है ना, वो बिल्कुल कहीं से उसमें दम नहीं है, वॉइस में दम नहीं है। रणवीर सिंह की वॉइस, मतलब रणवीर सिंह ने ना जो मूवी बना दी है ना, वो बना दी है रणवीर सिंह की जो पब्लिक के नज़र में अभी जो एक बोलते हैं ना छवि, जो उसका जो इम्प्रेशन है, तो ये ना बड़ा मतलब अजीब सा हो चुका है। क्योंकि अभी बीच में जो कुछ हुआ था ना उसकी वजह से, और रणवीर सिंह की इस समय कोई अच्छी मूवी ऐसी आई नहीं है कि जिससे पब्लिक के नज़र में बहुत ज़्यादा अभी हाईलाइटेड हो या बहुत ज़्यादा अच्छी एक इमेज बनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रणवीर सिंह मेरे हिसाब से इस मूवी के लिए रणवीर सिंह का मतलब कुछ मुझे अच्छा रोल अच्छा नहीं लग रहा, एंड मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हुआ इस चीज़ को देख के। और वो भी 2025 में, 2.5 साल अभी बचे हैं लगभग लगभग, एंड
मैं मतलब बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं समझ में आया, आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं ये सोच नहीं पा रहा कि यही वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में थी, ये अगर चर्चा में थी तो चर्चा करने वाले भी तो फिर वैसे ही होंगे। मुझे समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड नील वटा जीरो जो भी है आप मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। एंड कुछ भी नया आता है आप लोगों के लिए फिर से मैं लेके हाजिर होता हूँ। एंड आपकी तरफ से अगर कोई रेफरेंस है अच्छा तो मुझे आप भेज सकते हो। एंड काफ़ी टाइम के बाद मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड बीच में जो गैप हो गया है, अगर आप चाहते हो कि ये गैप ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट्स करो और हाँ दोस्तों तक जहाँ मर्जी वहाँ तक शेयर करो ताकि ये गैप ना हो सके और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोज बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें।